खबर पखानजूर से, जहां पर बच्चों को शिक्षा के साथ सुरक्षा मिली इसके लिए विद्यालयों में नए अतिरिक्त कक्ष बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मामला पखानजूर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 का है। बताया जा रहा है कि कक्षा सामान्य नहीं बल्कि भूकंप रोधी होनी चाहिए, कहीं पर कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए समय समय पर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी विद्यालय में ऐसे अतिरिक्त कक्ष नहीं बन रहे हैं। विद्यालय के चारों दीवारों के लिए नींव की तैयार की गई है, लेकिन नींव में कंक्रीट का बेस ही नहीं बना है, बल्कि रेत के ऊपर ईंट डाल दी गई है। इसमें भी ठेकेदार का मन नहीं भरा, तो उसने ईंटों के बीच सीमेंट रेत का मिश्रण देकर जोड़ा तक नहीं भरा है। अब इसकी पोल खुली तो अधिकारियों भी जवाब देने से कतरा रहे हैं। शासकीय प्राथमिक शाला में सत्र 2023-24 में अतिरिक्त कक्ष 8,07,000 रुपये की लागत से बन रहे हैं। सूत्रों की अगर माने तो विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य विद्यालय के प्राचार्य शिक्षक के रिश्तेदार को भी दिया गया है। प्राथमिक शाला 116 में शाला प्रबंधन समिति को निर्माण कार्य एजेंसी बनाया गया है, और यदि कुछ गलत हुआ होगा उसका इंजीनियर जांच कराई जाएगी। जांच करने के बाद ही आप लोगों को बता पाऊंगा मैं, और यह जानकारी आप लोगों से पता चला है, संकुल समन्वय के द्वारा मुझे अवगत नहीं कराया गया। वार्ड 15 में जो अतिरिक्त कक्ष बन रहा है उसमें गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग करने की शिकायत आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहा है। मैंने इसको नोट कर लिया है और जल्दी ही इसको दूसरे विभाग के इंजीनियर को भेज के जांच करा लिया जाएगा। यदि गुणवत्ता विहीन पाया जाएगा तो संबंधित अधिकारियों के लिए कार्यवाही और गुणवत्ता पूर्वक बनाने हेतु उसमें कार्रवाई की जाएगी।